अली अब्बास जाफर को पता है दोस्तों कि किस तरीके से अपनी फिल्म को बेहतर बनाना है और सबसे हटके बनाना है। अब अली अब्बास जाफर ने एक नया स्टेप लिया है, चलिए बताता हूँ आपको वो क्या है। दरअसल आज के दिन यानी कि 12 तारीख को एक ट्वीट आता है विशाल ददलानी की तरफ से। विशाल ददलानी बहुत बड़े सिंगर हैं, कंपोजर हैं, विशाल शेखर, याद आया ना कुछ। तो विशाल ददलानी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि उनकी फिल्म यानी कि भारत में, अली अब्बास जाफर की फिल्म भारत में विशाल ददलानी दे रहे हैं म्यूजिक। अब यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो ये है कि क्या सिर्फ एक गाना होगा, दो गाने होंगे या फिर पूरा म्यूजिक होगा? क्यों? क्योंकि आजकल जो है एक चलन है कि बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर एक फिल्म के अंदर गाना दे रहे होते हैं। जैसे अभी हम रिसेंटली देख सकते हैं कि रेस फिल्म में छह डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर्स हैं। सो यहाँ पर विशाल ददलानी ने ये बात तो कन्फर्म करी है कि उनका नाम सामने है, आगे के म्यूजिक डायरेक्टर होंगे या नहीं ये तो थोड़ी से दिनों के बाद पता चलेगा क्योंकि ये बातें तो फ्यूचर में है। लेकिन आपका ये फिल्मी यार आपको बताता रहेगा कि भारत फिल्म के क्या है अपडेट और भारत फिल्म में और क्या क्या होने वाला है खास। एक्ट्रेस की भी बात मैंने बताई थी आपको, प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आ रहा है लेकिन अभी किसी बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। सो गाइस, लेकिन यहां पर म्यूजिक के मामले में तो विशाल सर ने बोल दिया है कि वो होंगे फिल्म के अंदर। अब मजेदार होगा कि नहीं ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि विशाल जब आएंगे हमारे अली अब्बास जाफर और भाईजान के साथ तो कितना ज्यादा धमाल होगा। पास्ट में हमने गाना सुना था ना, इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, मतलब स्वैग से करेंगे स्वागत, तो विशाल सर ने ही गाया था वो गाना। सो कमेंट सेक्शन आपका है, बता दो बॉस फटाफट। और फिल्मी अपडेट्स के लिए कम टू फिल्मी आरा, राहुल भोजाना।